गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि किस प्रकार से जो प्रारंभिक मानव है जो पेड़ पौधों पर निवास करता था और बाद में जंगलों से निकल करके खुले मैदानों और गुफाओं में निवास करने लगा। आज हम आधुनिक मानव के विषय में बात करेंगे, उसके अंतर्गत हम बात करेंगे संप्रेषण एवं संचार के माध्यम की, जिसे हम भाषा और कला के माध्यम से जान पाते हैं। तात्पर्य यह है कि जो संप्रेषण हम करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं या किसी प्रकार से एक दूसरे के भावों को अथवा विचारों को जो समझने का हम प्रयास करते हैं, उसके दो ही माध्यम हैं, एक भाषा और दूसरी कला। यहाँ पर आज हम इन्हीं दोनों चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि भाषा का जो विकास है या जो कला का विकास है वो कब हुआ? तो यहाँ देखिए, भाषा के विकास के ऊपर अनेक मत दिए हुए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। इन मतों की यहाँ हम थोड़ी जो विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण मत हैं उनकी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, इसमें पहला मत यह है कि होमिनिड जो मानव था वो भाषा में अंग विक्षेप अर्थात हाव भाव का प्रयोग करता था। हाथों के इशारों से या अन्य किसी इशारों से वो एक दूसरे से संप्रेषण करने का प्रयास करते थे, अर्थात एक दूसरे से संप्रेषण का संचार का ये जो माध्यम था वो हाव भाव था या हाथों या किसी अन्य प्रकार के इशारों के द्वारा जो होमिनिड मानव है वह संप्रेषण करता होगा। दूसरा जो मत है वह है उच्चरित भाषा से पहले मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग किया जाता होगा। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि जो स्वर तंत्र है जो हमारा विकसित हुआ और जो भाषा अर्थात जो शब्द हमारे जो शब्दों का मेल है या फिर जो हमारे जो स्वर निकलते हैं या जो वाणी निकलती है उससे पूर्व ऐसा संभव है कि मौखिक का तात्पर्य है विशेष प्रकार की आवाजें निकालना या फिर अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता होगा। तात्पर्य है कि भाषा के विकास से पूर्व यानी कि जो शब्द हैं हमारे, इन शब्दों को उच्चारित होने से पूर्व शायद ऐसा रहा होगा कि मनुष्य मौखिक तौर पर तात्पर्य है कि मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल करके और वो संप्रेषण करता होगा, अर्थात एक दूसरे से बातचीत का या अपने भावों को समझाने का प्रयास करता होगा। तीसरा जो मत है वो ये है कि वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलाने की क्रिया से हुआ। कुछ विद्वानों का ये मानना है कि मनुष्य के कंठ से जो वाणी निकली इसका जो प्रारंभ है, ऐसा मान सकते हैं कि सबसे पहले मनुष्य किसी के आह्वान करने यानी कि किसी को बुलाने के लिए इसका सर्वप्रथम उसने प्रयोग किया होगा। जैसे एक मानव ने दूसरे मानव को आह्वान करके या किसी विशेष प्रकार की आवाज निकाल करके उसको बुलाने के साथ इसका प्रारंभ किया होगा। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मत हैं, इनके विषय में हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मानव का जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं ये हमें केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुत सी संभावनाएं बनती हैं और इन संभावनाओं में से कोई सी भी सही हो सकती है। आगे हम बात कर रहे हैं कि भाषा का जो विकास है, कुछ विद्वानों का ये मानना है कि जो भाषा का विकास है वो संभवतः 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ और उनका ये कहना है कि ये जो भाषा का विकास है वो होमो हैबिलिस से हुआ होगा। होमो हैबिलिस जो औजार बनाने वाला मानव था, कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो होमो हैबिलिस था औजार बनाने वाला मानव, उसके मस्तिष्क में संभवतः कुछ ऐसी विशेषताएं रही होगी जिससे कि वो भाषा का प्रयोग वो कर सक उसने किया होगा। तात्पर्य यह है कि होमो हैबिलिस जो है उसमें कुछ ऐसी विशेषताएं थी जैसे कि वो औजार बना सकता था, अन्य मानव या अन्य जो उस समय के आप कह सकते हैं जो अलग हमने श्रेणियां विकसित की थी उन श्रेणियों के अंतर्गत अन्य श्रेणियों ने औजार बनाना नहीं सीखा था, लेकिन होमो हैबिलिस ने औजार बनाना सीख लिया था। तो इसका तात्पर्य यह है कि उसके मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं अवश्य रही होगी जिससे संभव है कि वो भाषा का भी विकास कर पाया होगा। दूसरा जो मत है वो ये कहता है कि स्वर तंत्र का जो विकास है वो लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। स्वर तंत्र यानी कि जो हमारे कंठ हैं, इन कंठों के द्वारा जो आवाज जो वाणी निकली है वो लगभग अब से 2 लाख वर्ष पूर्व निकली होगी, जो आधुनिक मानव से संबंध रखती है।
और जो तीसरा मत है वो ये कहता है कि भाषा एवं कला का जो विकास है वो साथ साथ हुआ, यानी कि लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भाषा और कला का अलग अलग विकास नहीं हुआ, बल्कि भाषा और कला का लगभग साथ साथ विकास हुआ, और यह विकास आज से लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। तो यहाँ देखिए अलग अलग मत हमारे पास आ रहे हैं कि किस प्रकार से भाषा का और कला का विकास हुआ। तो यहाँ पर कुछ भी संभव हो सकता है, संभव है कि मानव ने बुलाने की क्रिया से भाषा का विकास किया हो, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। एक मानव को जब दूसरे मानव की आवश्यकता हुई तो उसने विभिन्न प्रकार की आवाजें निकाल करके या विभिन्न प्रकार के हाव भाव के द्वारा एक मानव से दूसरे मानव को संचार के माध्यम से या संप्रेषण के माध्यम से बुलाने या अन्य कोई क्रियाकलाप करने के लिए उसको कहा होगा। तो इस प्रकार से हम कुछ भी इसके बारे में सटीक रूप से नहीं कह सकते। आगे हम बात करते हैं कि लेस्कॉक्स एवं सोवे की जो गुफाएं हैं जो फ्रांस के अंतर्गत पड़ती है, और अल्टामिरा की जो गुफा है जो स्पेन में पड़ती है, यहाँ से सैकड़ों चित्रकारियां मिली हैं। हमने पहले बात की थी कि मानव जो है वो जंगलों से निकल करके खुले मैदानों और गुफाओं में निवास करने लगा था, तो वहाँ निवास करते हुए मानव ने उन गुफाओं में बहुत सारी चित्रकारी की है, और इन चित्रकारियों में सर्वप्रथम जो हमको जो बहुत सारी चित्रकारियां मिलती है सैकड़ों की संख्या में, वो फ्रांस और स्पेन से मिलती है। फ्रांस के अंतर्गत लेस्कॉक्स और सोवे की गुफाएं हैं, और अल्टामिरा की गुफा है वो स्पेन में है। यहाँ से सैकड़ों चित्रकारियां मिली हों, और ये जो चित्र बनाए गए हैं ये कब से कब तक के हैं, ये लगभग 30,000 से 12,000 वर्ष पूर्व के ये चित्र हैं। तो देखिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र बनाए गए हैं, तो इन चित्रों के ऊपर अभी तक इतने उत्तर नहीं दिए गए हैं जितने की प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि इन गुफाओं के कुछ ही हिस्सों में चित्र बनाए गए हैं, बाकी हिस्सों में क्यों नहीं बनाए गए। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के ही चित्र बनाए गए हैं, सभी जानवरों के या अन्य जानवरों के क्यों नहीं बनाए गए। इसके अलावा जो मानव है, मानव का जो चित्रण किया गया है पशुओं के साथ में, वो केवल नर का ही अर्थात पुरुष का ही चित्रण पशुओं के साथ या अन्य जानवरों के साथ किया गया है, स्त्रियों का नहीं किया गया, ऐसा क्यों। इसके अतिरिक्त केवल पुरुषों को ही अलग अलग और समूह दोनों प्रकार से दर्शाया गया है, और स्त्रियों को केवल समूह में दर्शाया गया है, ऐसा क्यों। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें अभी तक नहीं मिल पाए हैं, परंतु विद्वानों का ये मानना है कि ये जो चित्रकारियां की गई है ये संभवतः इसलिए की जाती होगी कि इनका कोई ना कोई धार्मिक या फिर अन्य रीति रिवाज से संबंध रहा होगा। तात्पर्य कुछ विद्वान ये कहते हैं कि संभवतः उस समय का मानव ये मानता होगा कि इस प्रकार की चित्रकारी करने से शिकार मिलना आसान रहा होगा, या फिर ऐसा माना जाता होगा कि इस प्रकार की चित्रकारी करने से शिकार आसानी से मिल जाएगा, या फिर कुछ ये धार्मिक क्रियाकलाप भी हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार के कोई जादू टोने से संबंधित क्रियाकलाप भी हो सकते हैं। तो उस समय के मानव के विषय में ये अलग अलग मत हमारे सामने आते हैं कि ये चित्रकारियां क्यों की गई थी। इसके साथ साथ कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि ये जो गुफाएं थी वो संभवतः संगम स्थल रही होगी मानव की, अर्थात छोटे छोटे समूह में मानव यहाँ पर आकर के इकट्ठे होते होंगे और शिकार की गतिविधियों पर, शिकार की प्रक्रियाओं पर एक दूसरे से चर्चा करते होंगे, और चर्चा करते हुए इस प्रकार की चित्रकारी करते होंगे जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो इन प्रक्रियाओं को सीख सके। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो हम प्रारंभिक मानव के बारे में पढ़ रहे हैं उसके विषय में हम केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के ऊपर ही निर्भर करते हैं, इसलिए यहाँ सटीक तौर पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। परंतु आज भी ऐसे बहुत से शिकारी संग्राहक समाज हैं, अधिकांशतः अफ्रीका क्षेत्र में आपको बहुत से ऐसे शिकारी संग्राहक समाज मिल जाएंगे जो आज भी शिकार और संग्रह के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। तो क्या इन शिकारी संग्राहक समाजों के जीवन से जुड़े हुए पहलुओं को हम प्रारंभिक मानव के जीवन से जोड़ सकते हैं, क्या इससे हमको कोई मदद मिल सकती है, इसके विषय में हम अगले जो लेक्चर हमारा होगा उसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।